विकास की दर उसके पूंजी निर्माण बचत प्रोत्साहन एवं वरीयता के आधार पर उत्पादक विनियोजन का परिणाम है। इस दृष्टि से यदि अब तक अर्जित की गई उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाए तो सहज रूप से ज्ञात होगा कि इस दिशा में किए गए प्रयत्नों के मुख्य केंद्र बिंदु नगरीय क्षेत्र रहे हैं। ग्रामीण अंचल जहां इसका असीमित क्षेत्र हैं अब भी अपेक्षाकृत उपेक्षित हैं। इसमें दो राय नहीं कि सहकारी संस्थाएं इस दृष्टि इस राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक आदर्श एवं उपयुक्त अभिकरण हैं और इनका संस्थागत जाल भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, फिर भी इस ओर नियोजित प्रयासों की कमी क्यों है? यह एक विचारणीय बिंदु है। सहकारिता का सर्वोपरि उद्देश्य मितव्ययता एवं बचत को प्रोत्साहन देना तथा बचतों को उत्पादक अवसर प्रदान करना है, परंतु जहां तक ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहन एवं संकलन का प्रश्न है, आज की कार्य पद्धति में कदाचित इस कार्य पर संतुलित बल नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि सहकारी बैंकों द्वारा संचय निक्षेप कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां की गई हैं, फिर भी ग्रामीण बचतों के क्षेत्र एवं संभावना को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि इस ओर से हम कुछ उदासीन अवश्य हैं। बचतों के संकलन एवं निक्षेप संचय के कार्य की आज की पद्धति का यदि हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह व्यवस्था ग्राहक जमाकर्ता के पहल पर आधारित है, जबकि इसे संस्थाओं के पहल पर आधारित होना चाहिए। यहाँ यह कहना स्वाभाविक होगा कि जमा राशि सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए मुख्य आय स्रोत है और इस पर उनके आंतरिक साधनों की सुदृढ़ता एवं प्रबंध संचालक की सफलता निर्भर करती है। जिन संस्थाओं की जमा राशि अच्छी होगी वे अपने सदस्यों की सेवा सरल एवं उदार शर्तों पर समय से करने में समर्थ होगी। किसी देश राष्ट्र तथा समाज के विकास तथा समृद्धि में पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। उच्च स्तरीय पत्र तथा स्वस्थ पत्रकारिता किसी देश की धमनी होती है। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में धमनियां रक्त संचार कर शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है, राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सुधार व प्रगति जैसे कार्यों में स्वस्थ पत्रकारिता का उल्लेखनीय महत्व होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, किंतु इस कथन का एक पहलू और भी है। जहाँ एक साहित्य समाज का दर्पण होता है वहीं दूसरी तरफ साहित्य से नए समाज का निर्माण भी होता है। अर्थात साहित्य किसी देश की समृद्धि व्यापार तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को नई दिशा प्रदान करता है। बिना किसी साहित्य के किसी अच्छे समाज की कल्पना मेरी कोरी कल्पना ही सिद्ध होगी। पत्रकारिता का अपना इतिहास है। पत्रकारिता के प्रतीक स्वरूप सर्वप्रथम इटली में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद इंग्लैंड में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इसके बाद भारतवर्ष में पत्रकारिता काफ़ी देर से मुगल काल में आरंभ हुई। इसके पहले सूचनाएं या संदेश घोड़े तथा मानव द्वारा व्यक्तिगत तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाए जाते थे। पत्रकारिता आज समाज तथा राष्ट्र की अभिन्न अंग बन चुकी है, क्योंकि किसी भी भाषा तथा साहित्य के विशुद्ध सृजन ने जनसामान्य को इतना लाभ नहीं पहुंचाया जितना कि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से होने वाली पत्रकारिता ने। इसने एक ऐसी नई साहित्यिक रूपरेखा समाज के समक्ष प्रस्तुत की जिससे जन सामान्य के लोग ज्ञान विज्ञान राजनीति धर्म तथा सामाजिकता से संबंधित नित्य नई नई सूचनाएं बड़ी आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लेने में लगे हैं। स्वस्थ पत्रकारिता का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की जीवंत समस्याओं को देश के कर्णधारों के समक्ष रखें एवं उन समस्याओं के निराकरण के उपाय भी जन सामान्य एवं कर्णधारों के समक्ष रखें। किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग अनेक विविधताएं लिए अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं, किंतु उनको एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय एकता बनाए रखना पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है। भारत जैसे लंबे चौड़े देश के लिए राष्ट्रीय जल नीति वास्तव में बहुत आवश्यक है। इस विषय में अभी हाल में ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधनों के प्रति व्यापक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक गोष्ठी हुई थी। गोष्ठी में विचार इस बात पर नहीं किया गया कि किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए, बल्कि देश में उपलब्ध पानी का अधिकाधिक संभव उपयोग किया जाए।